हेलो एडिटर, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज कुछ इस टाइप का सीवी बैकग्राउंड बनाना सिखाएंगे। देख सकते हो कितना ओपी लेवल का मेरा सीवी बैकग्राउंड बन चुका है एंड फेस भी फुल एचडी में गोरा हो चुका है। तो आप लोग भी चाहते हैं सेम टू सेम मेरे जैसे सीवी फोटो एडिट करना, तो इस वाला वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है तो ही सीख पाएंगे। तो आप लोग एक इस वाला वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। तो आप लोग भी सेम टू सेम मेरे जैसा सीवी बैकग्राउंड एंड फुल एचडी में फेस को गोरा करना सीख जाएंगे। सो ओके गाइस, तो सबसे पहले क्या करना है कि गैलरी के अंदर आ जाना है, जिस भी फोटो को एडिट करना है उस गैलरी से फोटो को शेयर कर लेंगे कहाँ, स्नैपशीट के अंदर। तो ये रहा मेरा स्नैपशीट, तो चलिए मैं इस फोटो को स्नैपशीट के अंदर शेयर कर लेता हूँ। देख सकते हो स्नैपशीट के अंदर अपना फोटो आ चुका है। आने के बाद क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करना होगा। ये रहा टूल्स, एंड टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्टिव पर क्लिक करना है, जहाँ भी हम लोग का फेस पर लाइट कम होगा वहाँ पर ले जाकर छोड़ देना एंड ब्राइटनेस बढ़ा लेना है, तो लाइट आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर लाइट कम था, ब्राइटनेस बना लिया, लाइट आ चुका है। एंड राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद टूल्स पर क्लिक करना है, एंड टूल्स पर क्लिक करके टू इमेज पर क्लिक कर देना होगा। टू इमेज क्लिक करने के बाद ऐसा क्या करना है, ब्राइटनेस बढ़ा लेना है एंड नीचे आना है, इसका एमबीएस को 50 करके रख लेना है, यानी 50 कर लेना है। हाईलाइट भी, हाईलाइट को -100 कर लेना, ठीक है। एंड साइडों को हल्का सा बढ़ा के राइट क्लिक कर देंगे। इतना काम कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का स्नैपशॉट जो एडिटिंग है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शेयर पर क्लिक करना होगा, इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेंगे। तो चलिए मैं शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम के अंदर इस फोटो को। तो ये रहा लाइटरूम, इस पर क्लिक करेंगे, लाइटरूम का ऊपर से नोटिफिकेशन गिर जाएगा, तो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है तो डायरेक्ट लाइटरूम में इंटर हो जाएंगे। ये देख सकते हो लाइटरूम के अंदर आ चुके। आने वाला क्या करना है, ये ऑल फोटोज़ पर यहाँ से क्लिक कर देना होगा। आने यहाँ से हम लोग इस प्रीसेट को यूज करेंगे। तो इस वाला प्रीसेट का लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप लोग प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोडिंग कर लेना। तो प्रीसेट ले लेना, लेने के बाद मिलेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, तो ये रहा थ्री डॉट का ऑप्शन। तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी सेटिंग एक ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना होगा। आने यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे तो ये प्रीसेट है जो है इसका सेटिंग कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अपना फोटो ले लेना है, लेने के बाद क्या करना है कि थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, ये रहा थ्री डॉट का ऑप्शन। एंड यहाँ से पेज सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, जैसे पेज सेटिंग में क्लिक करेंगे जस्ट नाउ ऑन क्लिक में ही हम लोग का फोटो यहाँ से एडिट हो जाएगा। ये देख सकते हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर का चेक भी कर सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है स्केचबुक के अंदर। सिंपली शेयर पर क्लिक करेंगे एंड शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा शेयर टू का ऑप्शन, तो शेयर टू पर क्लिक करके इस फोटो को शेयर कर लेंगे कहाँ, स्केचबुक के अंदर। चलिए मैं शेयर कर लेता हूँ। तो हल्का सा लोडिंग लगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे यहाँ पर, एंड उसके बाद स्केचबुक का लोगो जो है खुल जाएगा। ये देख सकते हो आ चुका, तो स्केचबुक पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट फोटो जो है स्केचबुक के अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हो फोटो जो है स्केचबुक के अंदर आ चुका है। एंड यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले ऊपर मिलेगा टूल्स का ऑप्शन, तो टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड इस ब्रश को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो इस वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना हो, एंड इसका आप लोग सेटिंग देख सकते हो, इसको आप लोग 25 रख लेना, इसको 8% एंड फॉलो को यहाँ छोड़ दें, कैंसिल पर क्लिक एंड फोटो को लें जूम। एंड यहाँ से ब्रश का साइज को कर लेंगे 12। करने का क्या करना है, इस टाइप से गोल गोल करके यानी राउंड राउंड करके पूरा फेस को स्मूथ करेंगे। देख सकते हो कितना मस्त मेरा स्मूथ हो रहा है, आप लोग भी सेम टू सेम इसी प्रकार से स्मूथ करना, ठीक है। एंड आप लोगों को ब्रश को इस टाइप से बाल पर नहीं चलाना, तो नहीं तो फेस पर देख सकते हो ब्लैक आने स्टार्ट हो गया। तो आप लोग याद रखें कि ब्रश को बाल पर नहीं चलाना है, ठीक है, ओनली अपने स्किन पर अप्लाई करना होगा। तो क्या करता हूँ, फटाफट पूरा फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, एंड नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा स्लो स्लो करना। सो फाइनली गाइस देख सकते हो तो यहाँ पर फेस जो है स्मूथ हो चुका है, एंड फाइनली हम लोग को यहाँ से एडिटिंग भी जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर क्लिक करके शेयर पर क्लिक कर देंगे, तो ये रहा शेयर का ऑप्शन। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अदर्स पर क्लिक करेंगे, तो ये रहा अदर्स, एंड अदर्स पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, हल्का सा लिखेगा प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इस फोटो को फोटो रूम के अंदर शेयर कर लेंगे। तो ये रहा फोटो रूम, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड हम लोग का फोटो जो है यहाँ पर स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हो स्कैनिंग हो रहा है, एंड स्कैनिंग कंप्लीट भी यहाँ से हो चुका है। एंड उसके बाद क्या करना है, इधर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, आने के बाद लिखेगा मिलेगा बालू फोटो एडिटिंग क्लासिक, जस्ट इसके नीचे मिलेगा ब्लर का ऑप्शन, तो ब्लर पर क्लिक कर देना होगा। एंड ब्लर पर क्लिक करने के बाद इस टाइप से हल्का सा लोडिंग लेगा, एंड उसके बाद क्या करना होगा कि नीचे मिलेगा एक बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो ये देख सकते हो बैकग्राउंड पर क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, इस तरह ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे नंबर को इसका अमाउंट कर लेंगे 20 यानी 20 करके रख लेना है। उसके ऊपर आना है, स्क्रॉल करके यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट पर क्लिक कर देना होगा। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सेचुरेशन पर क्लिक करेंगे, सेचुरेशन पर क्लिक करके इसका सेचुरेशन बढ़ा लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर ह्यू पर क्लिक कर देना होगा, ये रहा ह्यू,
एनहू पे क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से येलो कलर कर लेता हूँ, यहाँ से डन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि शेयर पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद एक नीचे आप शेयर का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करके इस फोटो को कहाँ शेयर करेंगे, अपने पिक्सआर्ट के अंदर। तो चलिए मैं इस फोटो को क्या करता हूँ कि फटाक से पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लेता हूँ। तो ऐसा तो ये पिक्सआर्ट एंड इस पर क्लिक करेंगे फोटो जो है डायरेक्ट पिक्सआर्ट के अंदर एड एंड शेयर हो जाएगा। ये देख सकते हो तो आ चुका है। आने के बाद क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा एक कलर का ऑप्शन, तो ये रहा कलर्स एंड कलर्स पर क्लिक कर कलर स्प्रेस पर थर्ड लोग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शर्ट पर ले जाकर छोड़ देना है एंड शर्ट का कलर हल्का सा येलो कलर कर लेंगे, देखने में काफ़ी अच्छा सा लगेगा। उसके बाद राइट क्लिक कर देना होगा। राइट क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट एड फोटो पर क्लिक करना होगा एंड PNG को ऐड कर लेंगे। चलिए मैं दो PNG ऐड कर लेता हूँ एंड दोनों PNG का लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोडिंग कर लेना। तो सबसे पहले इस PNG पर क्लिक करके इसको बैठा देना है। इस PNG पर क्लिक करना, इधर स्क्रॉल करना है, ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा तो ब्लेंड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ ब्लेंड एंड ब्लेंड पर क्लिक करके यहाँ से स्किन कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, पूरे बैकग्राउंड पर ले जाकर इस तरह से बैठा लेंगे। सो गई, बैठाने वाले यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा एंड राइट क्लिक करने वाले इधर स्क्रॉल करेंगे। इधर स्क्रॉल करने वाले यहाँ पर मिलेगा एक टूल्स का ऑप्शन, तो ये देखिएगा टूल्स रहा तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट पर क्लिक करना होगा एंड एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से इधर आएंगे, इधर इसका कंटेंट को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड इसका साइडों को कम कर लेना होगा एंड उसके बाद इसका सैचुरेशन पर क्लिक करके सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर मिलेगा इरेज का ऑप्शन, इरेज पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड की तरफ पूरा इफेक्ट जो है चला जाएगा एंड इतना हो जाने के बाद राइट क्लिक कर देना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर से टूल्स पर क्लिक करके एडजस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से क्या करना है कि सैचुरेशन को हल्का सा कम कर लेना है, ठीक है, एंड हाईलाइट भी कम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से साइडों को क्या करेंगे कि कम कर लेंगे, ओके, एंड उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर लेंगे एंड ऊपर इरेज पर क्लिक करके यहाँ से पर्सनल पर क्लिक कर देना है, तो पूरा इफेक्ट जो है बॉडी पर आ जाएगा। राइट क्लिक कर देना होगा। सो इतना काम कंप्लीट कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लिप्स को हम लोग रेड यानी लाल करेंगे, ओठ को देख सकते हो तो कितना फीका फीका सा लग रहा है। तो क्या करना है, रिटच पर क्लिक कर देना है। रिटच पर क्लिक करने के बाद इधर स्क्रॉल करके आना है, स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर हेयर मिलेगा, हेयर कलर, ठीक है, तो हेयर कलर पर क्लिक कर देना है, ये रहा एंड इस पर क्लिक करने के बाद इधर स्क्रॉल करना है एंड रेड हेयर को सिलेक्ट करना है, लाल कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद इरेज पर क्लिक करके इसको क्या करना है, हेयर से इरेज कर लेना। उसके बाद पेंसिल आइकन क्लिक करके इस टाइप से अपने ओट पर अप्लाई कर देंगे तो ओट अपना हम लोग का लाल यानी रेड हो जाएगा। ये देख सकते हो तो हो चुका है, यहाँ राइट क्लिक कर देना है। तो फाइनली हम लोग का ऑल टोल एडिटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। और इस फोटो को सेव करना होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ पर मिलेगा एक सेव का ऑप्शन ऊपर, ये देख सकते हो रहा सेव का ऑप्शन, जस्ट इस पर क्लिक कर देना एंड तो ये फोटो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।